हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मैंने अमेजन से ये तीन एयरटाइट जार मंगाए थे। आज मैं इनकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ और इनका रिव्यू भी दूंगी कि मुझे ये कैसे लगे। ऑनलाइन शॉपिंग जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ हम लोग इमेज देख लेते हैं इनकी और रिव्यू देख लेते हैं। रिव्यू तो इसके अच्छे आए थे और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत था। इस तरह के तीन जार हैं और देखिए ऐसी बनावट है इनकी। और ये तीन इसमें क्लिप लॉक लगे हुए हैं और अंदर से एक और ढक्कन है। और ये जार में तीन सेक्शन बने हुए हैं। ये है जो निकाला मैंने, ये इस जार को तीन सेक्शन में डिवाइड करता है। हम एक जार में तीन तरह की चीज़ें रख सकते हैं। मैं पहले सारे जार को चेक करके देख लेती हूँ कि ये सही सलामत है या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, सब सही सलामत हैं और इसकी बनावट काफ़ी अच्छी है और इसे पकड़ना भी काफ़ी आसान है इस तरह की बनावट के कारण। अब मैंने इसमें दाल भर ली है, देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं करता है। इसके प्रत्येक सेक्शन में आधा आधा केजी दाल या कोई भी सामान आ जाता है। इसके जो ऊपर का ढक्कन है ये काफ़ी लूज है फ्रेंड्स, ये इसमें कसता नहीं है। देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। मैं दाल गिरा रही हूँ किसी बर्तन में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वर्क नहीं कर रहा बिल्कुल भी। यहाँ पर तो मैंने इसे आगे के ढक्कन को पकड़ा नहीं था, लेकिन मैंने इससे पहले आगे वाला जो ढक्कन था उसे पकड़ के रखा था। दाल मैंने किसी बर्तन में निकाली तो दोनों दो तरह की दालें मिक्स हो गई, क्योंकि ये अच्छे से जो है दब दब के नहीं रहता, थोड़ा उठा हुआ रहता है जिसके कारण दालें मिक्स हो जाती हैं। कुल मिला के मुझे ये इसकी क्वालिटी मुझे कम लगी, मैं इसे रिटर्न करा दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जो बीच में डिवाइड करने के लिए लगा रखा हुआ है। ये दाल डालने से अपनी जगह से हट गया था। तो कुल मिला के मुझे अच्छा ठीक नहीं लगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।